अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जान। सफाई में मंडलेश्वर का बजा डंका। मध्य प्रदेश में 50वें पायदान और राष्ट्रीय स्तर पर 128वें स्थान पर 601 नंबर की बड़ी छलांग। भोपाल में मुख्यमंत्री करेंगे सम्मान। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नगर को बड़ी सफलता मिली है। अखिल भारतीय स्तर पर गत सर्वेक्षण की तुलना में बड़ी छलांग लगाते हुए 601 नंबर पार करते हुए 128वीं पोजीशन हासिल की है। वहीं राज्य स्तर पर नगर को 50वीं पायदान पर रखा गया है। 25,000 से कम आबादी वाले नगरों की श्रेणी में नगर को यह गौरव मिला है। इस उपलब्धि के लिए बुधवार शाम नगर परिषद द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन कर अधिकारी कर्मचारियों व स्वयंसेवी संगठनों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज शर्मा, उपाध्यक्ष श्याम मेवाड़े, सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर अमित पाटीदार की उपस्थिति में स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे में शानदार भूमिका निभाने वाले सीएमओ घनश्याम मचार, कार्यालय अधीक्षक प्रियंक पंड्या, दरोगा कमल सिंह चौहान, मनोहर गोहर, अभिजीत वर्मा, मयंक लोहारे, शैलेंद्र भार्गव, विकास कुशवाहा, महेश पाटीदार, माधव सोशल वेलफेयर सोसाइटी के पवन यादव, नर्मदा आरती मंडल के संतोष चौहान, स्वयं सहायता समूह की श्रीमती लीला भवर सहित सफाई कर्मियों का पुष्पहार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। अपने प्रेरक उद्बोधन में अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज शर्मा ने कहा कि नगर को सम्मान दिलाने में हमारे सफाई कर्मियों की मेहनत ही है। हमारे पास सफाई स्टाफ की कमी होने के बाद भी यदि हमने सफलता प्राप्त की है तो इसके लिए सफाई कर्मियों का ओवरटाइम कार्य करना भी है। जब भी जरूरत पड़ी सबने मेहनत की है। आपने सभी सफाई कर्मियों के लिए स्वयं के खर्च पर ड्रेस देने की घोषणा की है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी घनश्याम मचार ने कहा कि हमारा लक्ष्य आगामी सर्वेक्षण में नगर को पहला स्थान दिलाने की है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नगर परिषद को शानदार उपलब्धि के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन संजय कलोसिया ने किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हमें ऑल इंडिया लेवल पे 128 रैंक प्राप्त हुई है, जो 2020 में 729 थी, 2019 में 550 थी। और प्रेरक दौड़ में एमपी मध्य प्रदेश लेवल पे हमें 25,000 की कम जनसंख्या में 50वीं रैंक हासिल हुई है नगर परिषद में। साथ ही इतनी लंबी छलांग हमने स्वच्छता सर्वेक्षण में मारी है, इसके लिए हमें प्रेरक दौड़ में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। और सर अब भविष्य में क्या संभावना देखते हैं हम? भविष्य में हम इससे बेहतर करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए हम अभी से ही स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए अभी से हमने हमारी पूरी नगर परिषद टीम ने कमर कस ली है, ताकि हम मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे इंडिया लेवल पे फर्स्ट रैंक मारने का पूरा जज्बा रखते हैं। इसमें नगर परिषद के जो स्वच्छता कर्मचारी और सफाई हमारे सफाई मित्र एवं जो कंप्यूटर पे जिन्होंने फाइलिंग कंप्लीट करी, एनजीओ जो था उनने बहुत अच्छी मेहनत करी, उसके अलावा नगर की जनता का भी बहुत सहयोग रहा इसमें जो। और आज मैं नगर की जनता से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि अपना कचरा गीला और सूखा सूखा होने वाला है और अलग अलग करने वाले हम क्या ऐसा तो चल ही रहा, फिर भी उसको और थोड़ा ध्यान में रखते हुए गीला कचरा अलग सूखा कचरा अलग करते हुए ध्यान रखे। और रोड पे कचरा बिल्कुल नहीं बिखरा, ये आपका शहर है, आपके शहर को यहाँ तक हम 2019 में भी हमारे को अच्छी रैंक मिली थी, लेकिन इसके कुछ हमारे आर्थिक कारणों से और इससे हम पिछड़ के रह गए। अतः जनता से और हमारे इनका जनता का और हमारे कर्मचारी का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है। नगर को सर स्वच्छता में नंबर वन लाने के लिए अब क्या प्रयास होगा आपकी तरफ से? नंबर वन शहर को लाने के लिए हमारा नगर के सभी नागरिकों से हमारा निवेदन यही रहेगा कि पूरा आपकी ये शहर आपका है और आपकी भी जवाबदारी बने कि कचरा वाहन में ही डालें। दुकान वाले बंधुओं से, ठेले वाले बंधुओं से, इनसे सबसे हमारा यही निवेदन है कि कचरा गाड़ी में ही कचरा डालें। और हम ये शहर को मतलब अभी तो ये मतलब 50 है कम जनसंख्या का शहर 50 में आया है, पूरा ऑल इंडिया में 50वीं रैंक आई है, हम इसको नंबर एक के लाने का प्रयास भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट मंडलेश्वर।